हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी इमेज फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको काफ़ी टाइप ना करना पड़े। अगर समझिए, अगर आपके पास कोई बुक है और अगर आपको बुक में कुछ लेसन या कोई टॉपिक पसंद आया तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में आप उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको पूरा का पूरा लेसन टाइप नहीं करना पड़ेगा। स्टोरी हो, कुछ भी हो, अगर आपको उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक्स्ट प्राय। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम किसी भी स्कैन फाइल को या इमेज फाइल को कैसे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम एक वेबसाइट पे जिसका नाम है i2ocr.com। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप वहां से डायरेक्ट फॉलोअप करके यहां पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं कि यहां पे 3 स्टेप है। सबसे पहले आप तो कौन सा लैंग्वेज है, तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश रहने देता हूं क्योंकि मैं अभी आपको मैं दोनों करके दिखाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे इंग्लिश रहने देते हैं। यहाँ पे फाइल, जो भी आपके पास फाइल है अगर वो आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ये इंग्लिश की फ़ाइल एक है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए इंग्लिश की फ़ाइल को और यहाँ पे इस पर टिक कीजिए और कंफर्म कीजिए कि यू आर नॉट ए रॉबोट। तो ये दिखा रहा है कि आप रोड के इमेज पे क्लिक करना है मुझे, तो ठीक है। तो ये हो गया, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो हिसाब से आपकी अगर फाइल होगी उसके हिसाब से आपको जो भी टाइम लगता होगा लगेगा, लेकिन ये आपको इस तरह से कुछ दिख जाएगा। आप यहाँ से इस फाइल को डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं और अपने वर्ड में और कहीं पे भी आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट PDF HTML जो भी फाइल में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो यहीं से आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना फ़र्क हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है। मतलब एग्जैक्ट मैं ये नहीं बताता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट 100% वो सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आपने कितना क्लियरली उस इमेज को स्कैन किया है या इमेज को क्लिक किया है, लेकिन आपको 80% तो आप देख ही सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ओरिजिनल फाइल भी खोल के दिखा देता हूँ और मैं यहाँ पे ये वाली फाइल को भी आपको दिखाता हूँ कि कितना फर्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज इट इज जो मेरा स्कैन फाइल था वो एज इट इज एज ए वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ से इस फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक दो जगह कहीं मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे everyone होना चाहिए था तो कुछ और, पर ये यहाँ से आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुए हैं। तो चलिए इस फाइल को बंद करते हैं। अब हम इसको, मैंने एक और फाइल रखी है हिंदी में, तो हिंदी में कितना फ़र्क आता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और हिंदी की एक फ़ाइल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। हिंदी की फ़ाइल भी आपको उसी तरह डालनी है और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे कार्स, ओके। तो हो गया, वेरीफाई कर लिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए उसको। जब तक वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है मैं ये फाइल खोल के आपको दिखा देता हूँ, आप एक लुक ले सकते हैं इसका और देख सकते हैं बाद में फिर कितना फर्क हुआ है या नहीं हुआ है। आप
आप ये देख सकते हैं। और अभी ये फाइल जो एक्सट्रैक्ट हुई है इसको भी देख लिया। आप देख सकते हैं कि क्या फर्क है और नहीं है, लगभग लगभग सब सेम ही है, बस लास्ट के एक दो वर्ड जो मिस्टेक है वो आप टाइप कर सकते हैं इससे, लेकिन आपका काम काफ़ी कम हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा चीज़ टाइप नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप रीड कीजिए, कंफर्म कीजिए, जहाँ पे कुछ अगर मिस्टेक हुआ है तो उसको आप करेक्शन कर लीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज फाइल या स्कैन फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।